हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश कुमार। चर्चा फोरम में आपका स्वागत है और आपके लिए आज है कुछ खास। हमारे बहुत प्यारे प्यारे चहेते चहेते दोस्त हैं जो हमारे लिए जो है ना जान तक निकाल के दे देते हैं। देखिए दोस्तों ने गिफ्ट किया है DJI मिनी AC और ये अभी एकदम कनाडा से फ्लाई होके आया है। USA से उन्होंने परचेज़ किया था और मेरे मित्र जो है कि अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं, लेकिन आने वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊँगा कि हमारे कौन से फ्रेंड हैं जो इतना खूबसूरत सा तोहफा हमारे लिए लेकर आए हैं। तो इसमें है ड्रोन और ड्रोन मिनी AC जो है। बाहर से मंगाने का कारण कुछ ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ें जो है ना सस्ती मिलती हैं। अगर आप इंडिया से अगर आप लेंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। 32-33 हज़ार रुपये आपको पड़ता है मिनी AC बाहर से, और ख़ासकर दुबई, USA, कनाडा, ये सब जगह से अगर आप लेते हैं तो। और पर्सनल यूज़ के लिए आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसका गाइडलाइन है, कुछ रूल है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई इस वीडियो को देख के अगर ख़रीदता है तो किसी कारण से उनको दिक्कत भी हो। तो चीज़ों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग ट्रैवलिंग का जो गाइडलाइन है 250 ग्राम का, अगर आप फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हैं 250 ग्राम आपको लाने की अनुमति रहती है, उस साइज़ का आप ड्रोन ला सकते हैं। तो इस ड्रोन का जो वेट है 249 ग्राम है और इस तरह से पैक करके इसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया गया है। मैंने पूरा रैपर जो है मेरा फ्रेंड पूरा इसको इस तरह से फ्लैट कर दिया और लगेज में इसको डाल दिया और डालकर जो है ना लाया है सेपरेट पैक करके। इसमें बैटरी है और जैसा पैकेज आया है मेरे पास सेम उसी तरह अभी तक रखा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो दर्शकों के साथ मैं इसको साझा करूँगा और मैं अभी इसका ओपनिंग करता हूँ, क्या क्या है देखते हैं। जैसा बताया था इसमें कि वो इसको हैंड लगेज में, हैंड कैरी जो करते हैं ना उसमें लेके आया था, जिसमें कि आप बैटरी ला सकते हैं, बैटरी आपको लगेज में नहीं डालना होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये खुल गया और ये कुछ रिमोट है, ये इस तरह का रिमोट है और इसमें ये बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है और ये रिमोट है। अब किस तरह से क्या क्या यूज़ करना है ये भी मैं धीरे धीरे आगे दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊं, क्योंकि मैं अभी तक इसको मैंने ओपनिंग ही नहीं किया है तो क्या चीज़ कहाँ रखा है ना थोड़ा समझना अभी मुश्किल आई है। आप देख पा रहे होंगे ड्रोन को, अभी मैं इसको सब कुछ अटैच करके आपको मैं चलाकर भी दिखाऊंगा। इसमें भी कुछ है, ये तो खुल जाएगा। वाह, ये यूज़र मैनुअल है, इसमें कुछ 2-3 यूज़र मैनुअल है, ज़रूर पढ़ लें आप यूज़ करने से पहले, आपको आसानी होगी और मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा जब तक जानकारी ना हो। और इसमें एक्स्ट्रा विंग दिया हुआ है, ये ब्लेड्स जो हैं तो एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी है 2, और ये इसका स्क्रू ड्राइवर है अगर आपको खोल के थोड़ा चेंज करना हो। विंग चार्जिंग के लिए दिया हुआ है और ये मोबाइल सपोर्ट के लिए है, C टाइप एंड माइक्रो USB टाइप, तो ये दोनों और आईफोन का भी है। यहाँ पर आपको मोबाइल से जब कनेक्ट करेंगे ना रिमोट के द्वारा तो आप उस समय आपको इसका इस्तेमाल होगा। और ये सब भी कुछ वायर है, इसके अंदर भी है कुछ छोटा सा पैकिंग है, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, ये रिमोट का जो है ना जॉयस्टिक को मूव करने के लिए ये है। वाह, इसमें आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। मैंने यूज़ पहले किया है इसलिए मुझे चीज़ें थोड़ा जानकारी है। ये आपको एक्स्ट्रा दिया गया है दो, ये ऊपर में जो जॉयस्टिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह से दिया हुआ है, और इसका एंटीना है। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं और भी वीडियो दिखाने का इसका, जो कि मैं डायरेक्ट आपको अपना ले चलूँगा अपने छत पे या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं इसको चला कर देखूँ। और ये इसका बिल है, ये देखिए, ये बेस्ट बाय से ख़रीदा गया है, बेस्ट बाय ये USA से ख़रीदा गया है और इसका कॉस्टिंग पर आया है $340, जो कि अराउंड 82 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग USA से परचेज हैं। ये चीज़ें दिखाने का अर्थ यही है कि अगर आपके कोई फ्रेंड अगर बाहर रहते हैं तो आप उसके द्वारा आप मंगा सकते हैं। मेरा तो बहुत सारा नेक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं हमारे, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे दोस्त का नाम है नयन कांजी लाल, जो कि कलकत्ता में सेटल हैं और वो जॉब करते हैं मर्चेंट नेवी में। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस गिफ्ट, DJI मिनी AC। नयन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो। और चलिए हम लोग अब चलते हैं सीधा इसको अब हम
छत पे लेके चलते हैं या देखते हैं कुछ खाली जगह पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पे आपको ड्रोन का उड़ाते हुए दिखाने के लिए, और इस तरह से कुछ ड्रोन रहेगा आपके पास, तो उसको बस पहले ये वाला घुमा लेना है। और ये मिनी एसी है DJI का, कुछ सस्ता पड़ जाता है बाहर से जब आप मंगाते हैं चीज़ों को तो। और ये ग्लास है कैमरा का, जिम्बल का, इसको रख दीजिए साइड में। और कुछ देखिए इस तरह का आपको ड्रोन दिखेगा। अभी हम लोग इसको उड़ाने के लिए आपको सबसे पहले DJI फ्लाई आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये रिमोट है, रिमोट में आपको ये जो स्टिक आपको दो एक्स्ट्रा भी मिलता है और विंग भी आपको दो एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। ये कनेक्टर है मेरा, चूँकि माइक्रो टाइप है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कनेक्टर लिया मार्केट से, 20-30 रुपये में मिल जाएगा आपके लोकल शॉप पे। और ये वर्क करता है। ये किसके लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना है तो माइक्रो, बट उसमें जगह पे आ नहीं पा रहा था और इसके कारण मुझे ये लेना पड़ गया। वीवो में क्या होता है ना, थोड़ा उल्टा होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आप इस तरह से लगा दीजिए। स्विच है, ये दोनों में जो स्विच है ना, तो इस स्विच से आपको एक सिंगल प्रेस करना है शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है, स्विच ऑन हो जाएगा। तो DJI फ्लाई में जब आप इसको पूरी तरह से जब कनेक्ट हो जाएगा ऐप के थ्रू, तो आपको बस कुछ नहीं, इस तरह से आपको ये सेटअप कर लेना है, मोबाइल आपको आगे लगा देना है। और ये जैसे ही आप DJI ऐप खुलेगा ना, तो उसके साथ ही ये कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको ज़्यादा कुछ परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रहे कि मेमोरी कार्ड लगा लीजिए, तो आप कैप्चर कर पाएंगे चीज़ों को। आइए हम लोग फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करने के लिए जैसे ही ये जब उठेगा ना, तो 1.2 मीटर एबव हो जाता है। और देखिए ये ड्रोन मेरा स्टार्ट हो गया और इस तरह से कुछ चालू हो गया है। इसको मैं और हाइट पे ले जा रहा हूँ, इस तरह से मैं इसको और हाइट पे ले जा रहा हूँ। अभी मेरे व्यू में आपको चारों तरफ का दिखेगा कहाँ कहाँ पे क्या है, आप कितना हाइट तक ले जा सकते हैं ये भी देख लीजिए। और बस इसी तरह से आपको ड्रोन को इस्तेमाल करना है। देखिए मेरा ड्रोन बहुत आगे तक जा चुका है, थोड़ा मैं और हाइट पे ले रहा हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। दूर से आप देख पाएंगे कि पक्षी और ड्रोन में ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी मैं अपने ड्रोन को इस तरह से मूव कर रहा हूँ और देखिए बहुत तेज़ी से ड्रोन हमारी तरफ चला आ रहा है। ये देखिए हमारा ड्रोन आ गया है और अभी हम लोग इसको लैंड करेंगे। आप अपने पोजीशन पे आप ले लीजिए और पोजीशन को लेके आप स्लोली स्लोली आप इसको तो कुछ इस तरह से आपको ड्रोन को इस्तेमाल करना है। बहुत इजी है, एक दो बार चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने वीडियो भी जो कैप्चर किया है वो भी मैं आपसे कोशिश करूँगा शेयर करने का, और सारा वीडियो आप मेरे चैनल पर आप देख पाइएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। बाहर से मंगाने का मकसद कुछ खासा नहीं था, बस चीज़ें थोड़ा सस्ती हो जाती है बाहर से। और हमारे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है, मैंने उनको पूछा था कि आप ला सकते हो, तो उन्होंने तो मुझसे पैसा भी नहीं लिया। और है हमारी दोस्ती कुछ इस तरह की जिसमें पैसा महत्व नहीं रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन नैन कांजीलाल को जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। मैं इसका सही उपयोग करूँगा और आने वाले अपने वीडियो में इसका फुटेज मैं आपको दिखाऊँगा। थैंक यू।